एक जहाँ अच्छे काम हुए उन लोगों को हम लोगों ने ऑनर किया है, और इससे कम से कम पता तो चला कि कहाँ कौन सा लोग जो है कहाँ अच्छा काम कर रहा है और कहाँ काम नहीं हो पा रहा है। अब जो फेज टू जो आएगा वो दवा लोगों को मिले और लोगों का इलाज हो पाए, यानी डॉक्टर उपलब्ध रहे, ताकि मैं फरवरी माह में कम से कम 1,00,000 लोगों का ऑपरेशन होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज पटना के पीएमसीएच पहुंचे और पीएमसीएच से ही तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। बिहार में 1,00,000 मोतियाबिंद के मरीजों का मुफ्त में ऑपरेशन होगा। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान पटना के पीएमसीएच में किया है। बिहार के हर गांव और प्रखंड स्तर पर जो है कैंप लगाया जाएगा और लोगों का मुफ्त में ऑपरेशन होगा। देखिए, तेजस्वी कई बड़ी घोषणा कर चुके हैं सरकार में आने के बाद, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, लेकिन अब बिहार के उन लोगों के लिए तेजस्वी ने बहुत बड़ी घोषणा की है जो मोतियाबिंद से ग्रसित हैं, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो मुफ्त में उनका ऑपरेशन होगा। मिशन सिक्की डेज को लेकर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो लोगों ने बेहतर किया है हमने उन्हें सम्मानित किया है, और आगे जहां गड़बड़ हुआ, जिन लोगों ने बेहतर नहीं किया है, हम उस पर काम करेंगे। जरा सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। कितना संतुष्ट हैं उससे आप? देखिए, एक जहां अच्छे काम हुए उन लोगों को हम लोगों ने ऑनर किया है, और इससे कम से कम पता तो चला कि कहां कौन सा लोग जो है कहां अच्छा काम कर रहा है और कहां काम नहीं हो पा रहा है। तो ये तो एक टारगेट दिया गया था, उसी के हिसाब से हम लोगों ने आकलन किया। काफ़ी जिलों में सुधार हुआ है और काफ़ी जगह जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। तो अब आपको आइडिया लग गया है कि कहाँ हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो हम लोग अब वहाँ ध्यान देंगे। पहला जो 60 डेज का था, कम से कम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ़ सफाई हो। अब जो फेज टू जो आएगा वो दवा लोगों को मिले और लोगों का इलाज हो पाए, यानी डॉक्टर उपलब्ध रहें, तो इसको लेकर के हम लोगों ने काम किया। इसके लिए हर जिला में रेफर, जितना आपका सदर अस्पताल है वहाँ हम लोगों ने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी नियुक्त कर दिया, और भी हम लोग पॉलिसी जैसा रेफरल पॉलिसी जो है आज जितना गाइडलाइन है उसकी शुरुआत हो गई है। रेफरल मतलब कोई भी कुछ भी काट के भेज देता था अंजय पटना, अब जो है गाइडलाइन बना दिया गया है प्रॉपर कि आप किस मौके पर ही आप जो है पटना या और कहीं रेफर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात, कल पदभार, क्योंकि नया साल आया है और मोतियाबिंद की समस्या जो है बिहार में लोगों को जो है निशुल्क उसका इलाज हो सके, इसके लिए हमने बोला कि भाई फरवरी माह में कम से कम 1,00,000 लोगों का ऑपरेशन होना चाहिए। तो हमको पूरा विश्वास है कि 1,00,000 हर जगह कैंप लगाया जाएगा, हर प्रमंडल में, हर बिहार में, पूरे बिहार में। चलिए, एक और सवाल, पीएमसीएच में है आप, वर्ल्ड क्लास बन रहा है, टारगेट कुछ दिए हैं कि कब तक ये टारगेट पूरा कर लेना है? नहीं, इन लोगों का तो है क्योंकि काफ़ी बिल्डिंग बना, फेज वाइज है, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द फेज वाइज जो है वो बन करके तैयार हो जाए, जितना जल्द से जल्द। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है पटना के पीएमसीएच से, 1,00,000 लोगों का मुफ्त में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। देखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी राहतमंद खबर है उन लोगों के लिए जो मोतियाबिंद जैसी बीमारी से ग्रसित हैं और जिनके आंखों की रोशनी जो है इस वजह जा रही है, और ऐसे में मुफ्त ऑपरेशन बिहार की सरकार उनके लिए कराएगी। फिलहाल अपने बिहार न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद।